गाइस, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी लोगों को स्वागत है आपके चैनल फर्स्ट एज स्कूल में। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ आज का एक और ब्रांड न्यू वीडियो को। आज का वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग है और काफी ज्यादा फनी है यार। इससे आगे भी मैंने ऐसे ही कुछ रिलेटेड वीडियो इससे आगे भी रिएक्ट किया था, तो उस वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, लाइक दिया, कमेंट दिया भर भर के। तो मैंने सोचा यार, इसी प्रकार का वीडियो क्यों ना एक और बार आप सभी के लिए रिएक्ट किया जाए। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, पाकिस्तानी पार्लियामेंट फन का खजाना, कॉमेडी का खजाना। तो दोस्तों, आपने जैसे टाइटल देखा आपको पता ही होगा, पार्लियामेंट क्या यार, पाकिस्तान तो पूरा का पूरा कॉमेडी से ही भरा हुआ है। दूसरे कंट्री के लोग पाकिस्तान को देखकर यही बोलते हैं कि अरे यार, पाकिस्तान कब सुधरेगा, पाकिस्तान कब टेररिज्म को हटाएगा अपने कंट्री से, और पाकिस्तान के लोग कब सुधरेंगे, पाकिस्तान का गवर्नमेंट कब सुधरेगा और अच्छे रास्ते पर आगे जाएगा। लेकिन पाकिस्तान सुधरना तो छोड़ो, वो नीचे के नीचे जाता जा रहा है और नीचे बुरा होता जा रहा है। ये आपसे भी छुपा नहीं है, हमसे भी छुपा नहीं है। तो आज हम देखेंगे यार पाकिस्तान के कुछ कॉमेडी पार्लियामेंट के हिस्से, और अपना ओपिनियन लास्ट में जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं नेपाल से हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जरूर से लाइक बटन को दबाइए यार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जल्दी से जल्दी दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे यार। तो चलिए दोस्तों, कॉमेडी का खजाना हम देखने चलते हैं ऐसे ही नमूने देश का। अच्छी अच्छी बातें सिखाया करें, ये मंजन वंजन का बेचना, ये मंजन तो बहुत अच्छी चीज है, सुबह कर लें तो मुंह से बदबू नहीं आती। पुराने जमाने के लोग करते थे, अभी पेस्ट आया है। मंजन का बात क्या है यार ये? जी बेटा, शाबाश, और आइंदा भी ख्याल रखना। बहुत अच्छा अम्मी, जैसा टाइम दीजिएगा जरूर टाइम मिलेगा। अजीब है यार, क्लिक हो जाते हैं। मैं रूलिंग दे रही हूँ, अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन बिजनेस लाएगा इस सेंटी में? मैं तो रूलिंग दे रही हूँ, मैं रूलिंग दे रही हूँ, और आप कह रही हैं कि आप बात कर रही हैं। मैं रूलिंग दे रही हूँ बेटा, बेटा, बेटा। अम्मी जान। जी बेटा। You are listening some voices or not? यकीन माने मेरी जबान भी फिसल जाएगी और फिर वो कुछ होगा यहाँ हिशी शेबर संसद में चुमा चाटे के बाद एक पुरुष सांसद ने नुसरत अब्बासी को अकेले चेंबर में मिलने को बुलाया। उसके बाद क्या हंगामा हुआ आप खुद देखिए। अच्छा, अब आप जरा प्लीज सुन लें, मेरे चेंबर में आ जाए, वहाँ पढ़ के बता दो। चेंबर बुलाने में अपनी माओ बहनों को बुलाएं आप। आप जो जिस तरीके से बात नहीं, करते हैं ना, नुसरत साहिबा, चल क्या रहा है भाई? एक सड़े आम लड़की को अकेले में मिलने को बुला रहा है, ये क्या है यार? पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ही ऐसा हो रहा है तो सोच सकती हूँ पाकिस्तान में कैसा होता होगा। सर्जेंट एट आर्म्स को जहमत दे सकती हूँ, मैं जहमत देती हूँ आपको कि इन्हें आउट कर दे। एक जूते दिखाए तार, आप पलट के देखे, आप लोग को क्या पार्लियामेंट दिखाया जा रहा है यार? ये तरीका नहीं है कि जूता दिखाया जा रहा है। देख रही है, हम लोग चादरें क्यों लेकर आते, ये कोट क्यों पहन कर आते? वो हमारी एक मेंबर बीमार हो गई है, इतने तेज एसी क्यों चलाते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ ठंडे हो जाएं। साहिबा, हम लोगों को अगर दर्द है, टाइम ओवर हो गया। अगर दर्द है यहाँ, यहाँ एक मेंबर कह रही थी हब्स हो रहा है, एसी बंद है, हमारा दम घुट रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझो सिंध है, मुझी धरती माँ, रियासत माँ, हाय हाय पई पए, पर हाय हाय काथे थी पए, हाय तसाजी सिंध ते थी पए। मेरी सिंध का जो हाल हुआ है, उस सिंध के हाल के लिए 11 साल का जवाब दो, 100 दिन का जवाब मांगते हो, मैं तुमसे सिंध का 11 साल का जवाब मांगती हूँ। मैं तुमसे 35 अरब से 150 अरब का जवाब मांगती हूँ। इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर पैसा नहीं है, यहाँ हमारा जितना सिंध का पैसा था वो चला गया है करप्शन की नजर। मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये तो ऑडिटर जनरल साहब ने कहा कि 15,000 अरब से ज्यादा जो बजट आया था वो सारा चला गया करप्शन की नजर। चला गया। देखो भाई, देखो इनके करनामे, टबैको और च्युइंगम खाना अलाउड नहीं है तो
Kindly don't do it. इलायची नासिर शाह साहब ने दी थी, वो हम खा रहे थे, शाह साहब ने इलायची दी थी। सिंध असेंबली के इजलास में अरकान यूं एक दूसरे से मिले जैसे कब के बिछड़े हों। खासकर पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली नईम खरल ने तो हद ही कर दी। इजलास से कबल इन्हीं की पार्टी की एमपीए कुलसुम चांडियो ने इनसे पुरजोश मुसाफा किया, मगर नईम खरल के जोश और जज्बे ने इन्हें इस कदर परेशान किया कि कुलसुम चांडियो को जबरदस्ती हाथ छुड़ाना पड़ा। इजलास शुरू हुआ फिर आधे घंटे बाद ही मुलतवी हो गया, मगर मंजर एक बार फिर वही था। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर कम और हुंडा ज्यादा लग रहे थे। बाप रे बाप, प्राइम मिनिस्टर कम और हुंडा एक्सपंज कर दें जी। अच्छा जी, ये एक्सपंज कर दें जी। एक्सपंज हो गया है तो प्राइम मिनिस्टर कम बदमाश ज्यादा लग रहे थे। बदमाश भी जी, एक्सपंज ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें मौलाना साहब प्लीज। प्राइम मिनिस्टर कम और दहशतगर्द ज्यादा लग रहे थे। दहशतगर्द भी प्राइम मिनिस्टर के लिए प्राइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं इमरान अली खान न्याजी कहा करूंगा। दूसरा, किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें। अगर आपने करना है तो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा। काइंडली डोंट पुट दीज वर्ड्स इन माय माउथ। अहमियत आपके हाथ में क्या है और कोई अहम ऐलान करने जा रही है? अभी आपने सीढ़ियों पे धरना भी दिया, आइंदा का लाया अमल क्या है और इस बोतल में क्या शरबत लेकर आएंगे क्या? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सूंघ लें, इसको देख लें। आप सूंघे क्या चीज है ये? ये पेट्रोल है और खुदा की कसम खाती हूँ, अपने बच्चों की कसम खाती हूँ मैं कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, बिलावल जरदारी साहब, बख्तावर साहिबा और आसिफा साहिबा, आपको अपनी माँ की तरफ से इंसाफ नहीं मिला, मेरे बच्चे आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे जिस तरह से अब्यूज किया गया, मुझे जलीलो ख्वार किया गया, दो दिन से पूरी दुनिया में मैं जलीलो ख्वार हो रही हूँ और मुझ पर दबाव है माफ़ी का, तो क्या मैं ऐसे शख्स को माफ कर दूँ जिसने इस तरीके के जुमले मुझे कहे? जो काम करने वाली खवातीन जो अपनी वर्क प्लेसेस पे जाती हैं और उनको इस तरीके से अब्यूज किया जाता है, जलीलो ख्वार किया जाता है और उनकी सियासत उनके काम से उनको रोक दिया जाता है। मुझे मेरे काम से रोका जा रहा है, मेरी सियासत खत्म की जा रही है, मुझ पर प्रेशर है मेरे खानदान का कि अगर उसको सजा नहीं मिली तो तुम घर बैठ जाना, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, फिर इस तरीके के वाकयात होते रहेंगे। तो मेरी आप लोगों से दरखास्त है, मैं पूरी सिंध, पूरे पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर जितने लोग माएं बहनें बेटियां वो बागैरत जो भाई और बहन हैं, बाजमीर लोग देख रहे हैं और वो सब लोग इस वक्त मेरे साथ हैं। अब ये मेरे घर का मामला नहीं है, हर घर का मामला है। सबकी यही है कि इमदाद पिताफी को उसकी सीट से बरतरफ किया जाए, उससे उसकी वजारत छीनी जाए। अगर नहीं छीनी गई, मैं दो दिन का टाइम देती हूँ, खुदा की कसम मैं इसी असेंबली में वो मिसाल कायम करूंगी। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठे, आप नहीं बैठते इनको यहाँ से पूरे दिन आज इनको यहाँ से निकाला जाए। आप निकले यहाँ से, आप पूरे यहाँ पे आ जा नहीं आप बैठ सकते हो, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं। मैं आपको एज ए स्पीकर कह रहा हूँ कि आप यहाँ से जाएं बाहर, आप यहाँ से बाहर जाएं, इनको सर्जन साहब इनको बाहर लेकर जाएं, यहाँ से बाहर जाएं आप। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं, आप इनको बाहर निकाला जाए। गुंडागर्दी चल रहा है यार, इनको निकाला जाए। पूरे इस सेशन में यहाँ पे नहीं बैठ सकते। आप यहाँ से जाएं बाहर, निकले हाउस से, हाउस से बाहर जाएं आप। क्या है भाई ये, क्या है, आदमी है या सांड है भाई? बाप रे बाप। गाइस जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हो गया है फंडी वीडियो खत्म। मुझे ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आया यार, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है एक पाकिस्तान जो है ना वो ना समझ कंट्री है। तो हाल फिलहाल मेरे जैसा एकदम सीधा आदमी को इन सब का भाषण मुझे कैसे समझ आएगा यार?
मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन मुझे इतना पता चला यार, पाकिस्तान एक कॉमेडी कंट्री ही नहीं, एक नमूना पार्लियामेंट हुआ हुआ कंट्री भी है। वहाँ के लोग देखो भाई, एक औरत के साथ कितने बदतमीजी से बातें करते हैं। पार्लियामेंट में भाई, पार्लियामेंट में ही औरत को अकेले में बुलाया जाता है और सड़े आम सब लोग हंसते रहते हैं। कैसा कंट्री है यार हमारे यहाँ नेपाल पर। इंडिया में किसी औरत को कोई लड़का वैसा बोले ना, नॉर्मल इंसान भी बोले ना, तो उसको काट के रख देते हैं। और यहाँ देखो यार, गवर्नमेंट लेवल के लोग अकेले में मिलने बुलाते हैं, पार्लियामेंट में ही कोई रोमांस करता हुआ दिखता है, कोई जूता से मारने की तैयारी करता है। चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आने वाले कुछ सालों में ना पाकिस्तान का हाल ऐसा होगा, अभी भी हो चुका है यार, हो चुका है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ सालों में ना इतना बुरा हाल होगा कि इतना बुरा हाल होगा, वर्ल्ड का पीछे से काउंट करो ना, सबसे बेकार कंट्री के रूप में वो नंबर वन पर आएगा पाकिस्तान। तो चलिए दोस्तों, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया वीडियो देख कर। यही होप करता हूँ पाकिस्तान सुधर जाए और टेररिज्म को हटा दे और कुछ अच्छी तरक्की करे, अच्छे लोगों को प्रमोट करे, अच्छे चीज़ों को प्रमोट करे और सबके साथ रिलेशन अच्छा बनाए रखे, ना ही कि इंडिया को चिढ़ाए रखे, इंडिया को उकसाए और इंडिया से हमेशा ही मार खाए। इतना ही कहना चाहता हूँ यार। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।